और अब बात उमेश पाल के सपा कनेक्शन की, जिसके सामने आने के बाद सियासत में तपिश बढ़ गई है। दरअसल उमेश पाल 2021 में सपा में शामिल हुए थे। उमेश पाल ने सपा से फाफामऊ विधानसभा सीट से टिकट के लिए आवेदन भी किया था और दावा भी किया जा रहा है कि टिकट के लिए उमेश पाल ने सपा के एक नेता को 20 लाख रुपए भी दिए थे। अब इसको लेकर राजनीति का पारा हाई है। उमेश पाल हत्याकांड में फंड का फसाद, टिकट के लिए सपा नेता को दिए 20 लाख। उमेश पाल हत्याकांड में सामने आई एक तस्वीर ने सियासत में तपिश बढ़ा दी है। इस तस्वीर में उमेश पाल के सिर पर समाजवादी टोपी है और वो अखिलेश यादव को राधा कृष्ण की मूर्ति देते नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर में अखिलेश यादव के बाएं खड़े राम सुमेर पाल चांदी का मुकुट पहनाते हुए नजर आ रहे। कहा जा रहा है कि तस्वीर 20 फरवरी 2021 की है। दावा है कि विधानसभा चुनाव से 8 महीने पहले उमेश पाल समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। खुद अखिलेश यादव ने उन्हें सदस्यता दिलाई थी। दावा किया जा रहा है कि उमेश पाल विधायक बनना चाहते थे। टिकट के लिए उमेश पाल ने सपा के एक नेता को 20 लाख रुपए भी दिए थे। उमेश पाल ने ये रुपए बतौर पार्टी फंड दिए थे। सपा से उमेश पाल ने फाफामऊ सीट से टिकट की मांग की थी। टिकट के लिए उमेश पाल ने सपा के कई नेताओं से पैरवी भी कराई थी। दावा किया जा रहा है कि उमेश पाल ने सपा नेता राजपाल कश्यप से भी टिकट के लिए पैरवी कराई थी। हालांकि टिकट न मिलने पर उमेश पाल ने सपा से किनारा कर लिया था और दोबारा भाजपा में शामिल हो गए थे। प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल शूट आउट केस को लेकर एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। पता चला है कि उमेश पाल उत्तर प्रदेश में पिछले साल हुए विधानसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ना चाहते थे। टिकट के एवज में उन्होंने पार्टी के एक नेता को 20 लाख रुपए दिए थे। टिकट नहीं मिलने पर 20 लाख रुपयों को लेकर उमेश पाल का समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं से विवाद भी हुआ था और इसी विवाद के चलते उन्होंने चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी छोड़ दी थी और दोबारा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। दावा यह भी है कि सपा छोड़ने के बाद उमेश पाल ने सपा के जिस नेता को 20 लाख रुपए दिए थे उससे उनका विवाद भी हो गया। हालांकि अब तक साफ नहीं हो सका कि उमेश पाल ने सपा के किस नेता को 20 लाख रुपए बतौर पार्टी फंड दिए थे। वहीं इस पर सपा नेताओं का दावा है कि पार्टी किसी से भी डोनेशन नहीं लेती। हालांकि सपा ने इस बात की पुष्टि जरूर की कि उमेश पाल ने सपा ज्वाइन की थी। उन्होंने राधा कृष्ण की फोटो सौंपा और मेरे द्वारा उनको एक चांदी का मुकुट पहनाया गया तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्वीकार किया और कहा कि भविष्य में मैं देखूंगा टिकट कहां से तुम्हें दिया जाए। बल्कि मैंने कहा कि सर अगर एक टिकट दे देते हैं पाल समाज के पूरे जिले के पाल इकट्ठा हो जाएं, कहें दो दे दें तो हमने कहा 2-4 जिला इकट्ठा हो जाएगा। तो उन्होंने वादा किया। वादा करने के बाद उमेश पाल फिर हमारे साथ में वापस चले आए और आने के बाद उन्होंने पार्टी में अथक प्रयास से मेहनत किया, बहुत बड़ी मेहनत किया। यहाँ तक कि उन्होंने फाफामऊ सीट पर 2500,000 रुपए के होर्डिंग और कट तमाम लगाया लेकिन आयन वक्त पे उनका टिकट कट गया। जब कट गया तो उन्होंने पार्टी चुनाव होने वाला था, उन्होंने तत्काल पार्टी छोड़कर और भाजपा ज्वाइन कर लिया। माना जा रहा है कि पुलिस अब उमेश पाल हत्याकांड में टिकट के नाम पर 20 लाख रुपए लेने के मामले को भी जांच में शामिल कर सकती है। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।